मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज मंडी जिला में आयोजित 125 यूनिट निशुल्क बिजली योजना के शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की लाइव कवरेज को बचत भवन चंबा में LED स्क्रीन के माध्यम से प्रसारित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सदर विधायक पवन नैयर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंबा के लाभार्थी भूपेंद्र से संवाद किया और सभी जिला वासियों को बधाई दी। प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान विधायक पवन नैयर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए 60 यूनिट बिजली निःशुल्क की थी, अब उसे बढ़ाकर 125 यूनिट किया गया है। इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को लाभ पहुंच रहा है। आज जो है जिला स्तरीय जो है 125 यूनिट माननीय मुख्यमंत्री की है। इस संदर्भ में पूरे हिमाचल से माननीय मुख्यमंत्री कुल्लू से इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। हालांकि पहले माननीय मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के ध्यान रखते हुए जो था पहले 60 यूनिट फ्री किए थे और इसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 8,000 लोगों को जो है माइनस मिला है, जीरो मिला है। आज जो 125 यूनिट का जो है ये माननीय मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ कर रहे हैं और मेरे विधानसभा में इलेक्शन साहब से बात करें तकरीबन 15,000 लोगों को जो है जीरो बिजली मिली। ये बड़ी भारी देन है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फायदा मिलना चाहिए। अब लोगों को पानी भी गाँव में जो है लोगों को बिल्कुल फ्री कर दिए, अब वहाँ पर भी जीरो बिल जो है वो आ रहे हैं और पहले जैसे 60 यूनिट की अब 125 यूनिट किया। और इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँ तो 33 के भी सब स्टेशन का भी आपने देखा कम्युनिटी में इसका जो है उद्घाटन हो गया है। और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी गेट के पास जो है 33 के भी सब स्टेशन बनने जा रहा है और इसमें जो है तकरीबन 8 करोड़ रुपये जो खर्च होने, इसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हो गई है, फाइनेंसियल क्लियर हो गए। मैं भी शिमला गया था, मैंने मंत्री महोदय से बात की थी, सिर्फ बजट का प्रावधान था, बहुत जल्द जो है इसका जो है बजट का प्रावधान हो गया। और एक ये खासकर जो खजार से लेकर और यहाँ मंगला के बढ़िया तक जगह लोगों को थोड़ी सी भी अगर हवा चलती तो लाइट चली जाती थी, इसको मद्देनजर रखते हुए 33 KV के सब्सक्रिप्शन गेट के पास जो है ये बहुत जल्द खुल जाए, इसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी। सारी सिर्फ पैसों का प्रावधान होना है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय से निवेदन किया था, इसका बहुत जल्द जो है इसका मेरे को लगता है 10-15 दिन में इसका ना जो है पैसों का प्रावधान हो जाएगा तो बहुत जल्द इसका काम भी जो है।